हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 6 जुलाई। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने विशेषज्ञ वैज्ञानिक समूह में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। अभी हाल ही में भारत से आने वाले 2 प्रशिक्षित कृषि विशेषज्ञों को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह के सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें से एक हैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल जी और दूसरे हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के डॉक्टर उमा लेले। हाल ही में रतनलाल जी को जून 2020 में 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? ऑप्शंस हैं कृतिका पांडे, मुकुल आनंद, अनंत प्रकाश और श्रेया भगत। तो अभी हाल ही में भारत की कृतिका पांडे को लंदन में इनकी शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए £5,000 और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए कृतिका पांडे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं इंद्रमणि पांडे, शशिकांत त्रिपाठी, अवनीश कुमारा और आर्यव्रत राय। अभी हाल ही में इंद्रमणि पांडे को जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये राजीव के चंदर का स्थान लेंगे। और यूनाइटेड नेशंस, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उनके स्थायी सदस्य भारत के प्रतिनिधि DS त्रिमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 13 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली सही है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व अभियान भी शुरू किया है, जिसमें 12 जुलाई तक पेड़ और पौधे लगाने का संकल्प है। 5वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ किस दिन धर्म चक्र दिवस का आयोजन हुआ है? ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। तो अभी हाल ही में 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस का आयोजन हुआ है। इस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। ये दिवस गौतम बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए पहले उपदेश के स्मरण में आयोजित किया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन के दिन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब। हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा पंजाब के फतेहगढ़ में हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी पंजाब सही है। इसमें बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में स्टील के छड़ का यूज़ होता है, इसी के उत्पादन के लिए सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला और पश्चिम बंगाल।
भगवान विट्ठल को याद करने के लिए आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया जाता है। भगवान विट्ठल की पूजा करने वालों को वराकरी कहा जाता है। ये त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। ऑप्शंस हैं चाइना, वियतनाम, सिंगापुर और यूएई। तो अभी हाल ही में वियतनाम में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। इस होटल में 25 मंजिला इमारत है और इसमें 400 कमरे हैं। इसमें फर्नीचर से ले कर टाइल्स तक सब कुछ गोल्ड से बना हुआ है। ये होटल वियतनाम के हनोई शहर में है। इस होटल के एक कमरे का एक दिन का किराया लगभग 4,85,000 रुपये प्रति है। इस होटल को बनाने में लगभग 11 साल का वक्त लगा है। नाइन्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान के अनुसार 2019 में किस राज्य का वार्षिकी मछली उत्पादन सर्वाधिक था। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और गुजरात। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान के अनुसार 2019 में तमिलनाडु राज्य का वार्षिकी मछली उत्पादन सर्वाधिक था। तमिलनाडु का उत्पादन 7.75 लाख टन था। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात का उत्पादन 7.49 लाख टन है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की है। ऑप्शंस हैं हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह। तो अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की है। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण का छठा संस्करण है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।